खिलाड़ी ने कल राज किया, ये सभी ने देखा और खिलाड़ी आज भी राज करने वाली है। और कल देर शाम से ही भले से इसके शोज चालू है, सेंसर बोर्ड के कुछ इश्यूज के चलते, क्योंकि लेट सर्टिफिकेट मिला इस फिल्म को हिंदी वर्जन का, इसलिए इसको लेट ये रिलीज हुई। तेलुगु वर्जन सही समय पर रिलीज हुआ था, लेकिन हमने सबने हिंदी वर्जन देखा। तो मैंने खुद शाम का शोज देखा और खिलाड़ी की जो धूम है वो आज से देखने को मिलेगी। और कल वाकई में जो भी चीज हुई हो इस फिल्म के साथ, कलेक्शन को रोकने की पुरजोर कोशिश हुई हो, हर चीज हुई हो, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि रवि तेजा मास महाराजा थे, है और रहेंगे। और आज का दिन जो इसका सेकेंड डे होगा, ये बहुत निर्णायक और इम्पोर्टेंट होगा। और आज के दिन मैं चेक कर रहा था, मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता शोज अच्छे खासे मिले हैं। मुंबई और पुणे में तो रिस्पांस भी अच्छे खासे मिले और दिल्ली में भी अच्छा खासा रिस्पांस मुझे देखने में देखा, क्योंकि मैं सुबह 8:30 बजे ही बुक माय शो पे चेक कर रहा था। एंड आई सॉ गुड रिस्पांस इन ऑल 3-4 दिस प्लेसेस। एंड मुंबई वापस से एक मेजर पॉइंट होगा, जैसे पुष्पा के लिए मेजर पॉइंट था, ये फिल्म के लिए पब्लिक आएगी, ये मैं आपको साफ कह सकता हूं। क्योंकि जिन ऑडियंस का मैंने पब्लिक रिव्यू लिया, उन ऑडियंस में कहीं ना कहीं ये जरूर था कि हाँ फिल्म ठीक है। जो रिस्पांस था वो ज्यादा पॉजिटिव साइड था। और जो एक मेन स्ट्रीम ऑडियंस होती है, मतलब जो नॉर्मल सिंगल स्क्रीन छोटे छोटे शहर, उन्हें फिल्म पसंद आएगी। और सेकेंड डे का प्रेडिक्शन की अगर बात करूं, फर्स्ट डे कोई कलेक्शन बताने हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट डे कुछ नहीं, तो इस फिल्म को बहुत बड़ी घात लगी और हिसाब से इसका कलेक्शन 20-25 लाख के आसपास के रेंज में ही नजर आ रहा होगा। लेकिन सेकेंड डे का जो मुझे लगता है कलेक्शन रेज होगा, बार अच्छा खासा इसका रेज होगा कलेक्शन का, उम्मीद यही है। और यहां पे अगर ये 30-50 लाख का कलेक्शन सेकेंड डे करती है तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। सो यस, आई एम प्रेडिक्टिंग फॉर 30-50 लाख ऑन द डे 2। एंड आई होप द फिल्म टर्न्स आउट टू बी गेम चेंजर फॉर रवि तेजा इज हिंदी वर्जन। और इस फिल्म के साथ जो कुछ बुरा होना था वो फर्स्ट डे हुआ है, सेकेंड डे मुझे लगता है पब्लिक इस फिल्म को नीचे गिरने देगी, क्योंकि हिंदी ऑडियंस को चाहिए एक अच्छा कंटेंट, एक ऐसा कंटेंट जो मसाला कंटेंट जो मेन स्ट्रीम ऑडियंस देखती है, और वैसे ही कंटेंट है रवि तेजा का। फिल्म ट्विस्ट जो है बहुत ही डिफरेंट है, अलग है, पब्लिक को पसंद आएगा। और ऊपर से इसमें जिसकी जो डबिंग है वो काफी अच्छी नजर आ रही है फिल्म में। ट्रेलर बराबर डब नहीं हुआ था, मैं मानता हूं खिलाड़ी का, लेकिन ये फिल्म में अच्छी खासी डबिंग है। एंड यू रियली लाइक द डबिंग एंड वी रियली एंजॉयड। हम लोग 4-5 लोगों ने मिलकर इस फिल्म को सपोर्ट किया और देखा, और वी रियली लाइक इट। एंड उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को पसंद आए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। क्या लगता है खिलाड़ी सेकंड डे कितना कमाएगी हिंदी मार्केट में, जरूर बताइएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।